हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारा चैनल द क्रोशिया लवर पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये ही है, टेबल क्लॉथ है ये। इसे मैंने बहुत सारे कलर में बनाई हूँ, तो चलिए मैं आपको आज का ये किस तरह बनता है वो दिखा रही हूँ। ये मैं किस तरह से बनाई हुई हूँ, ये पप स्टिच से बनाई हूँ और पप स्टिच मैं पिछले एपिसोड में बना करके भी बताई हूँ। आज पप स्टिच से मैं टेबल क्लॉथ बनाना बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये कुछ चेन मैंने ले लिए। चेन लेने के बाद उसको पहले चेन में अटैच कर दिए, ये देखिए। फिर से दो चेन लेने के बाद मैं इसको पप स्टिच सेंटर से ही बनाऊंगी। 3, 4 बनाने के बाद उसको एक साथ ही बंद कर दूंगी, ये देखिए। फिर से एक चेन ले लूंगी, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, लेकिन मैंने एक लिया है। फिर से 4, 1, 2, 3, 4, ये देखिए। फिर से मैं उसे एक बार में ही कट कर दी हूँ। फिर से देखिए, दो चेन या एक चेन, मैं एक चेन ही लेकर के दिखा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, ये देखिए। फिर से एक चेन, अगेन फिर उसी होल में 1, 2, 3, 4, ये 4 बन गए। फिर से मुझे इसको एक बार में ही खत्म करना है। फिर ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 हमारा पप स्टिच बना है। फिर से मैं उसमें कम से कम मेरा 8 बनना है। 1, 2, 3, 4, कि ये मैंने पप स्टिच इसमें बना लिए हैं 8। उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है मुझे, यानी स्नैपचैट करके इसको यूं ऐसे निकाल देना है। ये हो गया हमारा। अब आप एक चेन ले लें, एक चेन लेने के बाद अगेन इस वाले में जो डबल पप स्टिच है उसमें डाल के 4 बार निकालें, डबल क्रोशिया, 2, 3, और ये हो गया हमारा 4। ये निकलने के बाद फिर सबको एक साथ ही निकाल दे। और ये देखिए, दो चेन लेने के बाद फिर से उसी में आप पप स्टिच बनाए, 1, 2, 3, 4, ये हमारा बन गया। अब फिर से आप इसको एक साथ ही निकाले, ये हो गया एक चेन। उसके बाद ये दूसरे वाले जो पप स्टिच है, ये जो 2 बना हुआ है एक में, उसको मैं इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, 1, इसमें पप स्टिच नहीं बनाना है, 2, 3, और ये हमारा 4, ये बन गया। फिर से मैं 2 चेन दे दूंगी, आप 2 चेन दे या 4 चेन दे, और इसमें आप 2 बार पप स्टिच बनाएंगे, ये 4 का 1, 4 का 1 करके 2 बार पप स्टिच आप इसमें बनाएंगे। एक बहुत ही सुंदर डिजाइन है, आप इसे बच्चे का कंबल में भी दे सकते हैं, आप इसे बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, कुछ भी आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है, ये देखिए। ये मैं 2 चेन दे दूंगी बीच के लिए, फिर से उसी में डालना है 1, 2, 3, 4, और ये सबको एक कर देना है। फिर से 2 चेन, और फिर से देखिए, ये 2 डबल है पप स्टिच, उसमें 4 फंदे डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, इसमें पप नहीं बनेगा, 2, 3, 4, फिर से 2 चैन, और अगेन फिर इसमें 2 बार पप स्टिच बन जाएंगे, 4, 4 का, 2, 3, 4, फिर से 2 चैन, अगेन फिर 4 बार पप स्टिच, 1, 2, 3, 4, फिर से एक चैन या 2 चैन। अब देखिए, अब इसमें मैं 4 बार बनाऊंगी। अंतिम तक पहुंच चुकी हूं। अब यहां आने के लिए मुझे स्लिप नेट नट देना पड़ेगा, ये देखिए, इस तरह से उसको एडजस्ट कर देना है, ये देखिए, हो गया। अब जो मेरा ये 4 डबल क्रोशिया बना हुआ है और ये पप है, तो डबल क्रोशिया में हर इधर 2 बढ़ जाएंगे, इधर 2 बढ़ जाएंगे, और फिर जहां ये स्लिप, जहां ये पप स्टिच है, वहां हमारा पप स्टिच ही बनेगा। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 बनाने के बाद फिर 2 चेन,
फिर से उसी में चार, थोड़ा सा इसको ऐसे ढीला छोड़ना है फंदे को, एक दो तीन चार, ये देखिए ये हमारा बन गया। बनने के बाद जो मैंने इधर चार डबल क्रोशिया बनाई हूँ उसमें मुझे जैसे यहाँ चार बना है तो अब यहाँ दो दो चार चार आठ बन जाएंगे, दो इधर बढ़ेंगे दो इधर बढ़ेंगे, बाकी सबके ऊपर बन जाएंगे। जैसे देखिए आपको मैं एक बनाकर दिखा रही हूँ, एक दो, ये दो बढ़ा दिया मैंने और फिर सब में बन जाएंगे, ये तीन चार पांच छः सात आठ, ये हमारा आठ बन गया। फिर जब मैं ये पूरे यहाँ से यहाँ तक बना लूंगी तो फिर से उसमें चार बढ़ जाएंगे इसके ऊपर। देखिए ये मैं बनाई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये सबसे पहले मैंने आठ बनाए थे, आठ में से फिर मैंने चार का कोना वाला, ये चार कोने का है, चार हमने पप स्टिच बनाए हैं जिसमें दो दो का मैंने कोना निकाले हैं, और सबसे पहले मैंने चार डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद दो चार छः आठ बना, उसके बाद फिर आठ आठ सोलह बना, सोलह के बाद फिर दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह, सॉरी आठ के बाद बारह बना, बारह के बाद ये सोलह बना, सोलह जब पूरा हमारा ये इसकी कोना निकल गई एक दो तीन चार, तब मुझे इसको इंड में आई हूँ मैं, तब इंड इसको इसका इंड कैसे होगा वो मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह का इंड बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप बना बना करके आप इसे ब्लैंकेट बना सकते हैं बच्चों के लिए, खुद बेड के ऊपर बेडशीट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, इसका जैकेट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए पूरा इस तरह से मुझे बनाना है, ये देखिए ये कोई ज्यादा नहीं, आप हमारे वीडियो में बने रहे, आप अगर हमारा वीडियो शुरू से अंतम तक देखिएगा तो तभी आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए मैं जब यहाँ तक आई हूँ सेम उसी तरह से बनेगा, और जो मैंने इसमें पॉप स्टिच बनाई है उसमें भी मुझे ये कोई चेन नहीं लेना होगा, अब इसमें इस तरह से मैं बना दूंगी दो बार या तीन बार, ये देखिए दो बार, अब इसको मैं तीन चेन भी ले लूंगी सेंटर में, और फिर इसमें सिंगल डबल क्रोशिया से इसे मैं इस तरह बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से बनेगा। इस तरह हमारा ये पूरा वीडियो बनके तैयार हो गया। आपको ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जो हमें अनसब्सक्राइब किया हुआ है, अनसब्सक्राइब करने पर वो आपका जो सब्सक्राइब है वो रेड कलर का हो जाएगा। दोस्तों अगर रेड कलर का हुआ होगा तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करके ब्लैक कर दें, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये देखिए। और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें, ये देखिए इस तरह का बना करके आप जितना ज्यादा बड़ा आप कंबल बनाए चाहे चादर बनाए उतना ज्यादा बना करके उसको इस कॉर्नर के साथ ज्वाइंट करते चले जाए। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलती हूँ अगले वीडियो में।